जेठ जी, एक और हक बनता है इस घर की बहू का, इस नर्क में चलना और यहाँ पे रहने वाले लोगों के सुन सहना। बेटे, इसकी जुबान तो बहुत लंबी है, बातें ऐसी करती है जैसे चाबुक मारती है। ये लड़की नहीं ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। ये बात नहीं करती, आंख उगलती है। माँ, इसके पहले कि इसका लावा बहकर इस घर को जला दे, हमें इस ज्वालामुखी का मुंह बंद करना होगा। गृहस्थी तो हम दोनों संभाल ही लेंगे। लो माँ, आपके टक्कर की भाव मिल गई है, मैं चला, बाय। Hey, big brother! So you are on time! See you after 2 days. Okay, bye. Take care. भगवान, लगता है कि ये हमारी दाल नहीं गलने देगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जवानी से ही टेढ़ी दाल पकाती आई हूँ। ऐसा पकाऊंगी, ऐसा पकाऊंगी, दाल का एक एक दाना गल जाएगा। अनजाने में हो हमारे हाथों मारी गई। कत्ल अनजाने में नहीं किया जाता, सोच समझ के किया जाता है, और तुम लोगों ने मेरी सहेली को दहेज के लिए मार दिया। हाँ हाँ, मार दिया उसे, कत्ल कर डाला उसका। और अगर ज्यादा बोलेगी ना तो तुझे भी मार कर उसी संदूक के बंद कर देंगे। तुम जैसे दरिंदों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तुम लोगों को तो बीच बाजार में जिंदा जला देना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि भगवान तुम जैसी औरतों को माँ का दर्जा कैसे दे देता है। पांच क्यों नहीं बना देता, ना लड़के पैदा हो ना तुम बेटे बेचने का धंधा करो। रोहित, रोहित, अनीता, अनीता, देखो मैं आ गया। रोहित, तैयार हो रोहित, देखो मैं आ गया। हे बेबी, यू स्लीपिंग, कम 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 कम, चलो 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 चलो। अनीता, किया है वरना कौन सी खास बात है उसमें भैया? तो अब आवाज भी ऊंची करने लगा है तू। बड़ी हिम्मत पैदा कर दिया तुझमें उस पिट्टी ने। कान खोल के सुन, हम ऐसी बहू को इस घर में बिल्कुल नहीं रखेंगे जो सास ससुर की इजाजत के बिना इस घर के बाहर कदम भी रखे। जो बहुएं इस तरह घर छोड़ के चली जाती हैं, उन्हें हमारे खानदान में उल्टा कहा जाता है। पड़ी रहने दे अपने बाप के पास उसे। सी बात पर घर छोड़ के चली गई, लेकिन बेटा उस वक्त तुम कहां थे? अंकल, मैं ऑफिस के काम से पुणे गया था। जब लौटा तब पता चला कि वो घर छोड़कर चली गई। समझ में नहीं आता कहां चली गई वो जिद्दी लड़की। बेटा तुम कुछ करो, ढूंढो उसे। आप फिक्र मत कीजिए अंकल, गुस्से में वो कहीं चली गई होगी। गुस्सा उतरेगा तो वो अपने आप लौट आएगी। और अपने आप पर भी जुल्म कर रही है। जो भी हुआ उसे तू भूल जा।
और तूने जो देखा उसका जिक्र भूल से भी किसी से मत करना, नहीं करेगी ना? तुम लोगों ने जो पाप किए हैं उसे मैं कैसे भुलाऊं? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तुम लोगों को हथकड़ियां लगवाऊंगी। ये चली मारेगी, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। चावल लाया, दाल लाया, बना बना के लाया। नहीं। क्यों? गुड़िया खा ले। एक खा। नहीं। सासू जी ने प्यार से खा ले। सासू जी की प्यारी। डैड, दो रोज इस तहखाने में बंद रहेगी ना तो रस्सी भी जल जाएगी और साथ साथ बल भी चले जाएंगे। पुलिस ही कर सकती है। अरे ये क्या हो गया बेटे? बेटे वो तो पुलिस स्टेशन जा रहा है। बेटे कुछ कर, अरे रोक उसे। डैड, जाने दो उसे। अरे वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया तो अनिता की पूछताछ करने के लिए पुलिस यहाँ आ जाएगी। और अगर पुलिस को पता चल गया कि वो कल मुही अंदर तहखाने में बंद है तो हमारे अगले पिछले सारे जुर्म पता चल जाएंगे बेटा। ये सब तब होगा जब वो कमीनी पुलिस को कविता की मौत के बारे में बताएगी, और वो कविता की मौत के बारे में बताएगी तब जब वो जिंदा रहेगी।